नमस्कार सबका, आप देख रहे हैं जयजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सोटी की मौजूदगी। लाल डाकी हाई से 100 मीटर के अंदर दमनडुंगा बाईपास के तिलक नगर फेस वन में मौजूद है। उसका कारण मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से कहने को रकसिया नाला है, लेकिन लोगों ने इसे कूड़े का अड्डा बनाया हुआ है। शिकायतें लगातार इसकी की जा रही है, लगातार बार बार जो जिला प्रशासन भी है उसे शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन अब कहने कहीं प्रशासन है अब इसमें जो एक्शन लेने की कड़ी तैयारी में है। और ये जो कूड़ा है केवल स्थानीय लोगों की ओर से नहीं डाला जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आपको मैट्री से जो अस्पताल है वो दिखाई दे देगा। जानकारी है कि इन लोगों ने भी जो अंडरग्राउंड जो एक नाला बना के सारा कूड़ा अस्पताल का, वो भी इसी नाले में जा रहा है। जिस प्रकार से नाला खुला है तो बीमारियों का भी काफ़ी खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में क्योंकि नाले के ठीक बगल में जिनके घर है उनसे बातचीत करते हैं कि कौन ये डाल रहा है कूड़ा, क्योंकि ये लोग बता पाएंगे यदि जिसका पता ऐसे लगेगा, क्योंकि कोई भी नहीं बताएगा ये कूड़ा कौन डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा है। जिसकी निगम की गाड़ी होगी, जो नगर निगम की गाड़ी आती है कूड़ा कलेक्ट करती है, वो व्यक्ति शायद इसमें कूड़ा डाले, लेकिन जिसकी गाड़ी नहीं है वो वाकई में इसमें कूड़ा डालता हो। हालांकि ये केवल हम एक तरीका अपना रहे हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कूड़ा कौन डाल रहा है। इससे पहले भी हमने ऑफ कैमरा लोगों से बातचीत की है, जो इस तरफ जो लोग हैं हमने उनसे बातचीत की, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी नगर निगम की जो गाड़ी है वो आती है, हमारी उसमें कूड़ा नहीं डाला जा रहा है। अब हम ठीक नाले के बगल में जो गली है यहाँ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कौन वो लोग हैं जिनकी ओर से कूड़ा डाला जा रहा है, क्योंकि खुला ये नाला है, यदि अस्पताल का कूड़ा भी यहाँ जा रहा है तो ऐसे में गंदगी का अंबार क्या कुछ है आप इसके अनुमान लगा सकते हैं। बहरहाल यदि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो तस्वीरें आप देखेंगे किस प्रकार से कूड़ा यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। कहने को ही रकसिया नाला है। आइए तस्वीरें दिखाते रहिए। हालांकि यदि लोग यदि ऐसा कहें कि पानी से बह के कूड़ा आता है, क्योंकि इस वक्त जो नाला है वो सूखा पड़ा है, तो ये भी नहीं कह सकते कि कूड़ा कहीं से बह के आता है। यदि कोई और फैक्टर है वो अलग बात है। ये लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप नमस्कार मैम, नाम बताइए। अनीता। ये कितना टाइम हो गया यहाँ? हमें तो 2-3 ही महीने हो रहे, ज्यादा नहीं हो रहे। हम तो अभी आए हैं। निगम की गाड़ी है आपकी कूड़ा कलेक्शन? हाँ, गाड़ी तो लगी हुई है। कूड़ा उसमें डालते हैं? हम लोगों ने अखिटी गाड़ी लगा रखी ना, सब किराएदार हैं हम तो। अच्छा, ये नाला बड़ा गंदा है, कौन डालता है इसमें कूड़ा? भैया डालने वाले थे, उससे भी डाल के जाते हैं, क्या बोलते हैं, स्कूटी से डाल जाते हैं। मैं तो कल परसों बल्कि सारा मैंने जलाया। ये क्या कूड़ा जलाया आपने? सारे कपड़े उपड़े अट्टे कट्टे सब मैं जला गई हूँ। दिखाइए, नाले के अंदर ही जलाते हैं? नाले के अंदर ही जला गई। क्या करना था बल्ब बताओ, इतना गंदा लग रहा है ये। दिखाओ, ये मैंने जलाया परसों बड़के रोले में, सब मैं जला गई हूँ। उधर गीला हो रहा था वो मैंने जला गई, ये सुखा उखा सब मैं समेट के जला के। तस्वीरें नीचे की दिखाइए, वहाँ तो कारपेट वगैरह भी लोगों ने डाला हुआ है। वही तो सब ऐसे ही डाल जाते हैं रोला के, इतना भर गए सारे कपड़ों का ढेर, ऐसा गट्ठड़ बांध के डाला था ये। कोई आदमी मर जाता ना उधर, उसके कपड़े भी यहीं फेंक जाते हैं। क्या क्या दोबारा बोलिए। इधर को मरता है तो कपड़ों को भी यहीं डाल जाते हैं। अच्छा, मरे हुए आदमी के कपड़ों को। ये क्या है? ये डस्टबिन है, ये सार्वजनिक डस्टबिन है, ये क्या है? ये इसमें बीमारी भी, बच्चे हैं आपके छोटे छोटे, बीमारी भी तो आपको खतरा रहता है। कोई 10 बजे आते हैं डालने के लिए, कोई 9 बजे आते हैं। हम लोग तो किराए पे किसी को कुछ कहेंगे, हमें ही बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। अरे किराए में है तो इंसान तो है, स्कूटी से डालते चुप निकल जाते हैं। अब हम क्या कह सकते? कौन कहते कि किराए में किराएदार नहीं बोल सकता? अब इतना तो हम नहीं जानते, रात को आते हैं डाल जाते हैं। पैसा देके तो किराए में रह रहे होंगे, रहते तो पैसे में फ्री में कौन रहेगा? फ्री में थोड़ी रहेंगे, तो अंबार में थोड़ी रहेंगे। अब देख रहे, मैंने ही तो जलाया, वो सारे कपड़े लेते मैं ही तो जला के परसों रोला में बढ़ के वो पैप से नीचे को गई, उधर ला गिल्ला हो रहा, उधर ला नहीं जला, इधर का मैं जलाया, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई है जिस पे जिसकी जो गाड़ी नहीं है नगर निगम की कूड़े की, कूड़ा कलेक्शन नहीं? इधर तो लगी हुई है, इधर का औरों को नहीं पता यार। मैं देखो जो बात में। अच्छा, ये रात में डालते हैं दिन की दहाड़े भी? अरे शाम को अंधेरे में डाल के जाते, दिन में कौन डालेगा, रात को डालते। अच्छा, जानकारी की प्रशासन नोटिस देने वाला है अब? नहीं, हमें तो पता नहीं भैया, हम क्या कह सकते, किसी को नहीं कुछ कह सकते। ज्यादा किसी से वो करो फालतू बोलो तो और उल्टा ही सुनाते हैं, तो क्या फायदा बोल रहे। अच्छा, और ये भी कह रहे थे आप अभी कि होटल वाले हैं वो भी डालते हैं ऑफ कैमरा? पता नहीं, होटल वालों को तो मुझे नहीं पता, मैंने तो ये देखा कि हाँ स्कूटी से डालने वाले चुप डालते, चुप स्कूटी से फरार हो जाती है। अब कहाँ भागो उनके पीछे, हमारे पास कौन सी गाड़ी, क्या करेंगे। कब जलाया आपने?
परसों ही तो जला के आई मैं। अच्छा, नगर निगम वाले भी आए थे यहाँ कल परसों में, जानकारी आपको? नहीं, मैं तो ड्यूटी, मैं ड्यूटी रहती हूँ, मतलब अभी ड्यूटी जा रही, मेरी साइकिल खड़ी हो गई। अच्छा, जाइए फिर, हमने आपको रोक दिया, जाइए खाली, जाते वक्त हमने आपको टोक दिया, माफ कीजिए। आप सर, आप बता रहे थे कि होटल वाले भी डालते हैं कूड़ा, रात को डाल के जाते हैं, इधर को आ जाइए। अब ये लोग कहते हैं पानी डालते हैं, अब इनको क्या कहें, पानी वालों को भी ना। कौन कहता है पानी डालते हैं? इधर के आते हैं, पानी डालते हैं, मतलब कि खाली पो हाथ धोए होगा वो रहता, पानी तो डालते हैं। अच्छा, तस्वीरें दिखाइए, ये पानी है? ये मैं तो ऐसा पानी पहली बार देखी, प्लास्टिक वाला पानी। देखिए किसी के घर के आगे यही रहते हैं आप भी? नाम बताइए अपना। दीपक, आपका ही घर है ये? हाँ। ये कूड़ा कौन डाल के जा रहा है यहाँ पे? कूड़ा तो ऊपर से ऊपर अंदर यहाँ पर से एक नहर लिंक है। हाँ। वहाँ से पानी आता है, ऊपर ही कूड़ा डालते हो, बह के इधर ही नीचे ही आता है। हाँ, आप जो बात कह रहे हैं कि बह के, नहीं सुनो 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 सुनिए, आप कह रहे हैं कि बह के कूड़ा आता है। हाँ। इस वक्त नाले में किस प्रकार का पानी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जो ठीक मेरे सामने कूड़ा है वो बह के आया हो कहीं से और आज जैकल में आया हो। वहाँ भी गीला ही है अभी, काई आई भी देखिए वहाँ पर जो आती है, ये ऊपर से बह के आता है। इतना कूड़ा वैसे भी यहाँ पर कौन डालेगा बीच बीच पे? आगे भी वहाँ भी देखिए ना, इधर को रोड साइड पे, वहाँ से ऊपर से ही आता है पानी, तो मतलब इतना फ्लो रहता है कि कूड़ा बह के आ रहा है, क्योंकि कूड़ा तो बहुत है आता है पानी वैसे, मतलब जो पन्नी अन्नी होती है वो सब नीचे पानी में बह के आ जाती है। वो आप कह रहे बह के आती है। हाँ। वो यदि मैं डब्बे की बात करूँ, डब्बा मुझे नहीं लगता कहीं से कागज का डब्बा होगा तो वो अगर पानी में बह के आया होगा, तस्वीरें दिखाइए, फैक्ट में बात करते हैं, अगर पानी का डब्बा बह के आएगा तो वो गल जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन वो डब्बा देखो फेंकते हैं वैसे, कूड़ा डब्बा पर फेंक दिए, पन्नी जितनी दिख रही है देखो, पुरानी भी दिख रही है सब, ये काई भी कल ही या परसों आया है पानी इसमें, हल्का हल्का जमा हो जाता है, उधर भी जमा हो जाता है। परसों तो परसों तो उन्होंने कूड़ा जलाया था पानी के साथ, जैसे आते हैं बाकी यहाँ भी कूड़े फेंक जाते हैं, कट्टा अट्टा रात में फेंक जाते हैं, मना भी करते हैं फिर भी आदमी चलते हुए गाड़ी वाड़ी से। ना कोई दर्जन होगी उसका गट्ठर था वो, मैं सारा जला कर। अब अगर पानी आया होगा तो गीला हो गया होगा, ये तो पानी नहीं आया है ना, देखो वहाँ पर ये सब पानी का ही है पूरा। कितने फ्लो में पानी आया था? पानी अब नहर का ही आता है, ऊपर से पाइप है लिंक, इधर पे ये मंदिर के पास से पाइप है लिंक, वहाँ से पानी आता है, उस भी ऊपर से ही पन्नी आ जाती है। ये जो कूड़ा है जो यहाँ पे पानी, वो कागज वगैरह, वो लोग कह रहे हैं आप लोगों ने नहीं डाला? ना ना, ये कूड़ा तो चलो हम कह सकते हैं इसमें हमने डाला होगा, वैसे ये पन्नी अन्नी डाला होगा कि आपने डाला है? अब क्योंकि जो प्रशासन है वो नोटिस देने की तैयारी कर रहा है 10 परिवारों को, तभी हम सबसे घर जाके पूछ रहे हैं कि किसकी गाड़ी लगी हुई है निगम की कूड़े की, ऐसा ना हो कि कूड़ा कोई और डाले, गाज किस पे गिर जाए, नोटिस किसको मिल जाए, इसलिए हम पूछ रहे हैं। आपकी गाड़ी लगी हुई है? हाँ, कूड़े की गाड़ी आती है, सभी डालते हैं कूड़ा, सब डालते हैं। हाँ। ये अगर आपने डाला भी होगा तो मत करिए ऐसा, अगर आप डाल भी रहे हैं तो डालते भी तो जला देते हैं, इकट्ठा करके ना किनारे पे हम जला देते हैं। अच्छा, इसको कब जलाने की तैयारी है फिर आप? अभी तो हम साहब सब कहे, देखो अभी जो पड़ा है हम सब इकट्ठा करके किनारे पे यहीं पे ये जला देते हैं, पुराना सब जो इतना ऊपर से आता है सब आगे भी है, बहुत आगे इधर से। हाँ, देख क्या इसका मतलब, ये जो ये कूड़ा ही आप लोगों ने डाला है जिसको आप जलाएंगे? जब हम जला देते हैं उसे एक हफ्ते में, मतलब हमने इकट्ठा करके किनारे जला दिया उसे। अच्छा, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ठहरा हुआ पानी भी है और ठहरा हुआ पानी में मच्छर जो पनपते हैं, आप भी जानकार हैं, आप भी बुद्धिमान हैं, मैं भी समझ रही हूँ, कूड़े से भी गंदगी होती है, बीमारियों का अंबार है, मैट्रिक्स अस्पताल का कूड़ा भी यहीं आ रहा है, अंडरग्राउंड नाला उन्होंने बनाया है ये जानकारी भी है। हाँ, उन्होंने पाइप वहाँ बनाया है। आपको कहीं ना कहीं मानता है कि स्थानीय लोग कहीं ना कहीं अपने में ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस प्रकार की हरकतें करके? हाँ, ये तो है ही, बीमारी बढ़ेगी तो अपने घर वालों को ही दिक्कत होती है, मगर यहाँ जो भी है कॉलोनी वालों ने जितने भी हैं यहाँ से पाइप इसी में लिंक है, सीवरेज का जितना है। अच्छा। हाँ, जैसे पानी वेस्ट पानी होता है तो पानी इधर ही जाता है, इतना पानी नहीं जाता वैसे, वो सूख जाता है इतना, ये जितना पानी ये जमा है वो ऊपर से नहर के लिंक कर रखे इन्होंने बुनियाद में। देखो नाला है तो पानी तो होगा, पानी की तो बात ही नहीं है, पानी यहाँ पे जितना भी हो नाले में पानी होगा, नाले में कूड़ा कैसे है, वो भी सूखा कूड़ा, वो भी इस प्रकार से कूड़ा, उसकी बात है ना, गीला भी है इसमें ऊपर से बह के आता है इतना तो कह रहा है। मैं ये नहीं मान रही कि गीला नहीं है, मान रही हूँ, लेकिन जो सूखा कूड़ा मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर एक जना भी गलती से डाल रहा है, यदि बच्चे भी गलती से डाल देते हैं तो उनको ये बताइए कि ये खुद ही के पैर में कुल्हाड़ी मारना है बीमारी। मैं तो मना करता ही उनसे कि कूड़ा यहाँ मत डालो, बाकी तो हम इधर ही डालते हैं इकट्ठा करके, डस्टबिन भी ऊपर भी है नीचे भी है, सब गाड़ी आती है एक एक दिन बाद, दो दिन बाद तो गाड़ी सब वहीं देते हैं। कब आती है निगम की गाड़ी? एक एक दिन में आती है, तीसरे दिन में, तीसरे दिन आती है। अच्छा, कूड़ा कलेक्शन कुछ चार्ज वगैरह क्या है? 60 रुपीज़ है। हाँ,
60 रुपए सभी लोग उसमें ही डाल रहे हैं। हाँ, सब उसी में देते हैं कूड़ा। और ये जो कूड़ा डाल रहे हैं, कुछ कुछ लोग ये भी हैं जो रात के वक्त कूड़ा डाल रहे हैं, शाम के वक्त वो लोग गाड़ी में आते एकदम परसों ही डाल के गए, उसे कहा भी करके यहाँ लिखा हुआ है सामने, फेंक जाते हैं। अब हमारे कूड़ा तो चलो यहाँ से आया तो हम यहीं पर डालते हैं, इतनी जगह फेंक के कौन डालेगा, कूड़ा भी छिटका छिटका के। वैसे हम एक जगह इकट्ठा करके हम लोग जला देते हैं जितना होता है। अब आप कह रहे आप कूड़ा यहाँ से यहाँ डाल देते हैं? ना ना, वैसे नहीं, कभी थोड़ा बहुत कूड़ा हुआ जैसे पन्नी यहाँ पड़ी वो इधर को डाल दी किनारे, हम वो जला देते हैं। अब यहाँ भी मना भी करते हैं, वहाँ बोर्ड भी लगा है, वैसे तो मत डाला कीजिए, जला दीजिए, वैसे जला दीजिए। जब निगम की गाड़ी लगी है 60 रुपए भर रहे हैं तो उनको दे दीजिए। डालते ही है वैसे कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ, जैसे कभी छोटा मोटा कूड़ा इधर उधर हो गया तो बच्चे अच्छे डाल ही देते हैं, वैसे नहीं गाड़ी आती हम गाड़ी में डालते हैं। शादी हुई है ना, शादी के गत्ते पत्ते बच्चों ने डाले होंगे, जब दिवाली के टाइम पे अभी 13 तारीख की शादी थी ना, है किधर? हाँ, इसी घर में थी। इन बच्चों ने गद्दे डाले गए यहाँ पे? ना ना, गद्दे नहीं, गत्ते थे, दिवाली का फेस्टिवल का टाइम था, फेंक ही देते हैं बच्चे, किनको समझाया। हाँ, वो मिठाई उठाई के पड़े हैं ना, वो सब उसी की, हाँ उसी की मैं बात कर रही थी। बाहर से मेहमान भी आए होंगे तो डाल आऊंगा किसी ने। चलो किस किस को रोकेंगे, मेहमान यदि बाहर से आए हैं, लेकिन ये चीजें नहीं कर रही हैं। हम लोग नहीं डालते, अगर डालना होता तो फिर यहाँ पे बहुत ही कूड़ा इकट्ठा होता, ऊपर से पानी आता है उसके संग हल्की पॉलिथीन में बह के आता ना पानी, ये कह रहे हैं ना कि वो, हाँ वही तो, ऊपर से पानी आता ना वो बहता हल्का फ्लो में आता, जितना हल्का कूड़ा वो सब ऊपर ही जाता, पानी आगे चले जाता सब। चलिए ठीक है, इस प्रकार से आपने तमाम लोगों की बातचीत सुनी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो कूड़ा है ये लोग नहीं डालते हैं, हालांकि कुछ कूड़ा ये खुद भी मान रहे हैं कि ये गलती से डाल देते हैं, छोटा मोटा कूड़ा है, जो मैं फिर से कहती हूँ कि नहीं डालना चाहिए आपको वो कूड़ा भी। यदि आपका गाड़ी आता है 60 रुपये टैक्स दे रहा है तो उसको जला दो या तो ना डालो। लेकिन जो हालत है रकसिया नाले की बेहद ख़राब है, कूड़े का अंबार इसको बना रखा हुआ है। ऐसे में मेट्रिस अस्पताल के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने अंडरग्राउंड नाला बनाया हुआ है, यदि बातचीत करते हैं उनसे, पूछते हैं कि क्या सोचकर नाला बनाया, जो नाला था वो डस्टबिन है क्या रकसिया नाला उनके लिए, या क्या विचार उनके मन में आया कि उन्होंने जो अस्पताल का पूरी जो गंदगी है वो नाले में डालने का सोचा, उनके सर विचार जानते हैं और आपको ही बताते हैं। तो उससे पहले आपने सारे लोगों की बातचीत सुनी है और जो जानकारी थी कि जो मैट्री अस्पताल का जो कूड़ा है वो भी रकसिया नाले में मिल रहा है, अंडरग्राउंड कूड़ा है, जो नाला है वो बनाया जा रहा है, इसके चलते वहाँ यहाँ की गंदगी भी रकसिया नाले में मिल रही है, और कहीं ना कहीं जो कूड़ा है वो इतना पट चुका है कि लोगों को दिक्कतों का सामना खुद भी करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग सुधरने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिस सिलसिले में मैं यहाँ पहुँचे, यहाँ के जो लोगों से हमने बातचीत की है, अस्पताल प्रबंधन से हमने बातचीत की है, हालांकि वो ऑन कैमरा बात करने को सहज नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा उनका साफ तौर पर कहना है कि जब पहले भी मुद्दा उठा था तो उनकी ओर से जो कार्य है वो रोक दिया गया था आधे में। हाँ, इनकी ओर से अंडरग्राउंड नाला वो बनाया गया था, निगम की परमिशन से बनाया गया था, लेकिन मुद्दा उठने के बाद, मीडिया में आने के बाद, इन्होंने अंडरग्राउंड जो नाला है वो रोक दिया, उसका काम रोक दिया, वो किसी प्रकार का प्रोसेसिंग में वो नहीं है, और इन्होंने ये केवल पानी जो बारिश का पानी है, क्योंकि जो निर्माणाधीन ये अस्पताल है तो ओवरफ्लो पानी हो जाता है, जो केवल बारिश के पानी के लिए उन्होंने जो अंडरग्राउंड नाला है वो बनाया था। इसके अलावा डायलिसिस के लिए, जिस प्रकार से जो हमको जानकारी इन्होंने दी है कि यहाँ पे जो डायलिसिस है वो भी किया जाता है, ऐसे में यदि 1000 जो लीटर पानी है वो यूज़ होता है तो उसमें से केवल 400 जो लीटर पानी है उसका प्रयोग किया जाता है, बाकी 600 लीटर जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है डायलिसिस यदि किया जाता है, जो जानकारी इनकी ओर से दी गई है। ऐसे में उस पानी को और बरसात के पानी के लिए केवल जो अंडरग्राउंड नाला है वो बनाया गया था, इसके अलावा किसी प्रकार का जो गंदगी जो है वो नहीं उस नाले के थ्रू डाली जा रही थी, हालांकि विरोध के बाद उसको अभी तक बंद कर दिया गया है, उसी वक्त बंद कर दिया गया था। बहरहाल दोनों का पक्ष आपने सुना, अस्पताल पर जो आरोप लगे थे कि उन्होंने भी गंदगी है वो नाले में डालने की तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि अंडरग्राउंड नाला बनाया गया है, उसमें इनका कुछ इस प्रकार से स्पष्टीकरण है, हालांकि ऑन कैमरा बात करने को सहज नहीं है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि अस्पताल का कूड़ा भी वहाँ जाता है, और हमको भी जानकारी अस्पताल के कूड़ा वहाँ जाने की है। बहरहाल इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करते हैं, उनके क्या कुछ टेक है, और नोटिस देने की कार्रवाई कब की जा रही है, किन पे की जा रही है, और किन आधारों पर की जा रही है, उसकी पड़ताल करते हैं। रिपोर्ट में हमने देखा इस प्रकार से स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था, जिस प्रकार से रकसिया नाले में कूड़ा डाला गया था आसपास के लोगों के ऊपर, तो वहीं अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ स्टेक था वो मैंने अपने सिरे से आपको बताया, क्योंकि उन्होंने ऑन कैमरा बातचीत करने को मना करी, तो ऑफ कैमरा जो भी उन्होंने मुझे बताया वो मैंने आपको सामने रखा।
बहरहाल मैंने आपसे बात की थी जिम्मेदार अधिकारी से बातचीत करने की, और अभी हमारी मौजूदगी नगर निगम में है और फिलहाल लेकिन नगर आयुक्त तुषार मिश्रा मौके पर मौजूद नहीं है, ऐसे में उनसे जो बातचीत है वो संभव नहीं हो पाई है। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ए पी वाजपेयी के निर्देश पर जो ये कार्रवाई है वो की जा रही थी वो भी कार्यालय में मौजूद नहीं है, तो बातचीत अभी अधिकारियों से संभव नहीं हुई है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्द ही अधिकारियों से बातचीत करें और आपके सामने रखें पूरी कार्रवाई कब तक होगी, क्या कुछ कार्रवाई के अंतर्गत होगा, और नोटिस की जो बात की जा रही है कौन वो घर है जिनको नोटिस दिए जा रहे हैं, क्या अस्पताल भी इसमें शामिल है, सारी बात अधिकारियों से सारे जो सवाल है वो करेंगे और आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, उम्मीद सहयोगी किरण के साथ पल्लवी जेजे न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।